एबीपीएस न्यूज और रोकी भैया और सपना भाई, हमारे जिले के सारे जिम्मेदार लोग यहाँ हैं। सुभाष भाई, ये घटना मामूली घटना नहीं है, इस घटना को आज सोचना पड़ेगा। जब इस घटना में ये जान लीजिए कि 12 साल की बच्ची के साथ जब यहाँ बलात्कार हो रहा है, उसकी इज्जत लूटी जा रही है, तो मैं सीधे योगी सरकार से सवाल खड़ा होता है। हम और आप अपना जीवन अभी तक का पूरा जिंदगानी मुलायम सिंह यादव के संघर्ष के रास्ते पर अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये कितने लोग 12 साल के बेटी की इज्जत के कोई उनका बयान नहीं आता है। बताना चाहता हूँ, मोदी दुबे है, राहुल सिंह है, ये आएगा जब आपके घर की बेटी होते, मुख्यमंत्री के घर की बेटी होते, क्या ऐसी ही कार्रवाई होती? इसलिए हम लोग को इस गाजी के सामने हम लोग बैठे हैं। हम लोग मारेंगे नहीं, लेकिन मानेंगे भी नहीं। मुलायम सिंह यादव के इस नीतियों पे चलने वाले लोग हैं, अखिलेश यादव के नीतियों पे चलने वाले लोग हैं। आज सुबह ही राजेश यादव जी, राम प्रकाश जी और हेश वर्मा जी और हम लोग चाय के चर्चा के दौरान पेपर पढ़ने के बाद इस घटना की जानकारी को संज्ञान लेकर हम लोगों ने किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ से भी टेलीफोन आया, मेरा फोन और बाइक ले रहे थे लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी के ओसी का टेलीफोन आया, उन्होंने कहा हमारा राज वहाँ हैसियत नहीं होती थे कि देवर लोग ये घटना कर दें, लेकिन जब एक और राज्यपाल